जगह जगह मंदिर, मस्जिद और ताजमहल पर विवाद के बाद दिल्ली के कुतुब मीनार पर नया बवाल शुरू हो गया है। आज सुबह से ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कुतुब मीनार का नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने आज यानी मंगलवार को दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार परिसर के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस बीच पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्तियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल हिंदू संगठन वहां लगी भगवान गणेश की दो उल्टी मूर्तियों को लेकर काफी नाराज है। संगठनों का कहना है कि मस्जिद में लगी उल्टी मूर्तियों से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंच रही है, इसलिए इन्हें वहां से हटाया जाना चाहिए। हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार परिसर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किया जाए। इस दौरान कुतुब मीनार परिसर के पास हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल का कहना है कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है। इस मीनार का निर्माण 27 जैन और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया था। उसमें मूर्तियां हैं तो ये ढांचा मंदिर ही हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि कई विज्ञानों ने भी कहा है कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है, लेकिन कुछ अलग विचारधारा के लोगों ने इतिहास गलत लिखा है। उन्होंने कहा कि उनकी ये भी मांग है कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किया जाए।